नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, आज डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आप लिख सकते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। वहीं साथियों, यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति होता है, और सबसे छोटा ग्रह जो होता है वह होता है बुध, सबसे छोटा ग्रह होता है सौरमंडल का। सबसे छोटा ग्रह यदि आपसे पूछा जाए तो वह बुध होगा, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वह बृहस्पति होगा। वहीं साथियों, यदि आपसे पृथ्वी का उपग्रह पूछ दिया जाए, पृथ्वी का उपग्रह यदि आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा। और यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो साथियों आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखना है कि आकाश गंगा उस असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसे हमारी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, इसको हम यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं यूनानी भाषा में इसको हम, और असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है आकाशगंगा। अब साथियों बात करते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों के नाम बताइए। यदि आपको सौर मंडल में ग्रहों के नाम पूछे जाएं तो आपको बताने हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण तथा वरुण, यह हैं सौर मंडल के ग्रहों के नाम। तो साथियों, सबसे बड़ा यदि ग्रह आपसे पूछा जाए तो बृहस्पति है, इसमें बृहस्पति छूट गया है, बृहस्पति होगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी की बाहिनी पूछी जाए, पृथ्वी की बहन पूछी जाए, या पृथ्वी के सबसे निकट पूछा जाए, या सांझ का तारा पूछा जाए, या सुबह का तारा पूछा जाए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ शुक्र होगा। सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, सारे के सारे उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, शुक्र। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर है शुक्र। अब साथियों बात करते हैं तारामंडल क्या होता है। साथियों, तारामंडल क्या होता है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जब आकाश, हमारे आकाश में असंख्य तारे हैं, हमारी आकाश गंगा में, हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, उन तारों में से कुछ तारे सुंदर तथा व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं तारों को हम तारामंडल कहते हैं, उन तारों को हम तारामंडल कहते हैं। तो वही साथियों, यदि बात की जाए आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए, कौन कौन से तारामंडल हैं आकाशगंगा में, कुछ के नाम बताइए, तो आपको कहेंगे वृश्चिक है आकाशगंगा में तारामंडलों के नाम, ओरियन है, सप्तऋषि है, और कृतिका है। ये आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम हैं, वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृतिका, ये आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम हैं। अब साथियों बात आती है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छाया क्या है। जब किसी अपारदर्शी, छाया क्या है प्रश्न यदि आपसे डीएलएड एग्जाम में पूछ दिया जाए, छाया क्या है, तो आपको उत्तर देना है जब किसी अपारदर्शी वस्तु, कोई अपारदर्शी वस्तु हो को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाए, जब किसी कोई अपारदर्शी वस्तु के सामने प्रकाश जाने वाली वस्तु में रख दिया जाए जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, जिससे प्रकाश को रोक दिया जाए, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र हो जाता है, इस प्रकाशहीन क्षेत्र को ही हम वस्तु की छाया कहते हैं। साथियों एग्जाम्पल समझाते हैं, एक अपारदर्शी वस्तु ये है, ये प्रकाश जाने वाला रास्ता था, इसमें रख दी गई है, तो ये अपारदर्शी वस्तु है, तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इस वस्तु का यहाँ पर
प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाएगा इस वस्तु का, इसी को हम कहते हैं वस्तु की छाया, इसी को हम बोलेंगे वस्तु की छाया। अब देखते हैं साथियों सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आपको कठिनाई आ जाती है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैसे है कि सूर्य के मध्य पृथ्वी आती या पृथ्वी के मध्य सूर्य आता, क्या पढ़ना है? तो साथियों आपको याद कर लेना है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, इसमें कॉमन सा एक डिफरेंस है। कॉमन सा डिफरेंस ये है, जब आपसे पूछा जाए सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। जब पूछा जाए सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण पूछा गया, एक सूर्य है एक पृथ्वी है, उसके मध्य में यदि चंद्रमा आ जाए तो आप कह देना वह सूर्य ग्रहण है और उस दिन को हम कहते हैं अमावस्या का दिन कहते हैं। वही साथियों यदि आपसे पूछ दिया जाए चंद्र ग्रहण क्या होता है, तब आप कहेंगे सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए, सूर्य हो और चंद्रमा हो उसके मध्य में यदि पृथ्वी आ जाए तो वह चंद्र ग्रहण होगा। और साथियों याद रखना उस दिन को हम कहेंगे पूर्णिमा कहेंगे, चंद्र ग्रहण जब होता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र होता है, फसल क्या होती है साथियों, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए जाने वाली एक किस्म की पौध, एक ही जाति के पौधों के समूह को, एक विस्तृत क्षेत्र में एक ही किस्म के, एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। अब साथियों बात आती है कि फसल कितने प्रकार की होती है, फसल जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स फसल होती है तीन प्रकार की मुख्यतः, खरीफ होती है, रवि होती है और जायद होती है। खरीफ में धान और वहीं रवि में गेहूं और जायद में मक्का बाजरा, इस टाइप की फसलें आती हैं। अब साथियों बात करते हैं सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो साथियों सिंचाई करने की, फसल में सिंचाई करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं, वह विधियां निम्नबद्ध तरीके से इस प्रकार हैं। देखिए एक प्रवाह विधि होती है, एक कूड विधि होती है, एक वार्ड विधि होती है, क्यारी विधि होती है, वलय स्थिति विधि होती है और ड्रिप विधि होती है। इतने तरीके की विधियां हमारे भारतवर्ष में सिंचाई के लिए प्रमुख तरीके से प्रयोग की जाती हैं, प्रवाह विधि, कूड विधि, वार्ड विधि, क्यारी विधि, वलय विधि, ड्रिप विधि। अब साथियों बात करते हैं कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम, जो हम खेती करते हैं, जो हम फसल करते हैं उसके लिए कौन कौन से हमको प्रमुख यंत्रों की आवश्यकता होती है, उनको हम सीखते हैं। तो साथियों हमको आवश्यकता होती हल की, हमको आवश्यकता होती पटेला की, हमको आवश्यकता होती वखर की, रेक की, फावड़ा की, ट्रैक्टर की, हैरो एंड कल्टीवेटर एंड डिवलर की, इतने इक्विपमेंट की हमको आवश्यकता होती है जब हम कृषि करते हैं, इतने इक्विपमेंट की हमको आवश्यकता होती है। अब साथियों बात करते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन का बहुत ही सिंपल परिभाषा यदि हम कहें कि मृदा का या मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जब साथियों बाढ़ आती है तो मृदा अपरदन अत्यधिक मात्रा में देखा जाता है, पानी के बहाव में मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है, इसी को कहते हैं हम मृदा अपरदन, मृदा का एक स्थान से दूसरी स्थान पर स्थानांतरण होना। अब साथियों बात करते हैं बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं, जो बीज बोते हैं उनकी प्रमुख विधियां हैं, हाथ से छिड़कवा विधि प्रमुख और प्राचीन विधि है। पूछा गया था कि प्राचीन विधि कौन सी है, पूछा गया था प्रमुख विधि कौन सी है, तो हाथ द्वारा छिड़काव विधि जब होती थी बीज की, ये प्राचीन विधि है, ये बहुत पहले टाइम से चलती आ रही विधि है। अब साथियों बात करते हैं परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, जो परिवहन के साधन हैं पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, परिवहन के जो साधन होते हैं ये पेट्रोलियम उत्पादन पर निर्भर करते हैं। अब साथियों बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है,
बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सभी को उत्तर पता होगा, ये बीटीसी में आ चुका प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि, मोटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, हर जगह इसका उपयोग है विद्युत ऊर्जा का, तो हम कह सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए बस। अब साथियों बात करते हैं बायोगैस से क्या आशय है, बायोगैस क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं बायोगैस क्या होता है। तो साथियों गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहलाती है। जो गोबर गैस होती है उससे उत्पन्न गैस, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को हम बायोगैस कहते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन कौन से, ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा है सीमित स्रोत हैं या अनवीनीकरणीय स्रोत हैं जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जैसे पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सारे के सारे सीमित स्रोत हैं। समय घट रहे हैं, आने वाले समय में इसकी सीमितता देखने को मिलेगी, कोयला, पत्थर का कोयला और पेट्रोलियम। वहीं साथियों असीमित स्रोत है, असीमित स्रोत में यदि हम बात करते हैं तो चलित वायु होगा, बहता हुआ जल होगा, सौर ऊर्जा होगी, ये सारे के सारे हमारे असीमित स्रोत हैं। यदि हम सीमित स्रोतों की बात करते हैं तो सीमित स्रोत हैं हमारे पास पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम। अब साथियों हम बात करते हैं आसमन विधि का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो आसमन विधि का प्रयोग करते हैं हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने के लिए, पेट्रोलियम कच्चे पदार्थ, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन में से, पेट्रोलियम में से हम जब मिट्टी का तेल निकालते हैं, जब हम पेट्रोल बनाते हैं, जब हम डीजल बनाते हैं, तो हम उसको निर्मित करते हैं आसमन विधि द्वारा। साथियों याद रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं साथियों जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन वह ईंधन होते हैं जो कोयला तथा पेट्रोलियम ईंधन को ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब साथियों बात करते हैं ऊर्जा के असीमित स्रोत, मैं बता चुका हूं आपको ऊर्जा के असीमित स्रोत कौन से हैं, वायु है, जल है, बायोगैस है, सूर्य, यह पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा स्रोत है, ये बार बार अपनी ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं और ये ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। अब साथियों बात करते हैं रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, जो हमारा रुधिर है ऊर्जा, उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे रुधिर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वह भोजन से प्राप्त होती है, जो रुधिर को ऊर्जा प्राप्त होती है वह भोजन से प्राप्त होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन आवश्यक हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सरल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपका भी जीवन है और हमारा भी जीवन है, जिसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है ये आपको भी भली भांति पता होगा। तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए साधन की आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन, ये अति आवश्यक साधन है किसी भी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब साथियों बात करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा, जल, समुद्री, ज्वार भाटा, जैव मात्रा, वैकल्पिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं जिसमें सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, गतिमान जल, समुद्री जल, ज्वार भाटा, जैव मात्रा, ये सारे के सारे वैकल्पिक ऊर्जा के समान हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।